बेड़ा पार करेंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की, सीता माता की, लक्ष्मण यति की। वर्षों से इस ऋषि को उनका इंतजार है। यशमान भव, आइए प्रभु बैठिए। प्रभु आप आ गए। हाँ मुनिराज, हम आपके दर्शन करने आ गए। माता जी, प्रणाम माता जी। बेटी, तू साक्षात देवी है। माता जी, कोई धर्म उपदेश दीजिए जिससे मेरा उद्धार हो। बेटी, तू स्वयं ही गुरुओं की खान है, मैं तुम्हें क्या उपदेश दूं? माता जी, आप मुझे अधिक शर्मिंदा ना कीजिए और मुझे कुछ ज्ञान रस प्रदान कीजिए। अवश्य पुत्री। पति की रहे वो दासी, ऐसे पति की रहे वो
ना उसका कहे कभी ना कटवानी, जो बोले दुर्वचन पति को, जो बोले दुर्वचन पति को, और नरक में जाती है, और नरक में जाती है, वही सुहागन बड़बागन सतबंती ना चाहती है, वही सुहागन बड़बागन सतबंती ना चाहती है। चरणों से बढ़कर पति के चरणों से बढ़कर कोई तीर्थ स्थान नहीं, कोई तीर्थ स्थान नहीं, क्या तीर्थ भक्त करे जो उस जैसी नादान नहीं, पति व्रता की महिमा को, पति व्रता की महिमा को वर्णन करना आसान नहीं, कोई नादान नहीं, मिथ्या व्रत करे जो नारी, मिथ्या व्रत करे जो नारी, पति की उम्र घटाती है, पति की उम्र घटाती है, वही सुहागन बड़बागन सतबंती ना कहती है, वही सुहागन बड़बागन सतबंती ना आयु भर सीता अपने हृदय की गांठ में बांधे रखेगी। मेरे बड़े उच्च भाग्य है जो आप जैसी धर्मात्मा के मुझे बेटी, तुम जैसी देवियों पर ही पतिव्रत धर्म स्थिर है और मेरा आशीर्वाद है कि आगे आने वाली संतान तेरा यश गाएगी। तेरे नाम की कीर्ति सकल जगत में समाएगी। ये है बेटी मेरी तरफ से उपहार। आपका आशीर्वाद मुझे स्वीकार है मां। मुनिवर, अनेक ऋषियों को भी हमारा इंतजार है और उनके दर्शन पाने में ही राम का उद्धार है। अच्छा तो प्रभु, अब हमें जाने की आज्ञा दीजिए। ये लीजिए कुछ अस्त्र शस्त्र, मैं आपको देता हूँ, ये आपके जरूर काम आएंगे। जीवन तो नहीं चाहता कि आप लोगों को विदा करूं, तो अच्छा, तो आपकी इच्छा। प्रणाम। यशस्वी यशस्वी है। Thank you.
जय श्री राम। भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। आज श्री सनातन धर्म सभा भावनगर के रामलीला मंचन की 7वीं संध्या है। तो अभी आपने देखा किस तरह से सीता माँ को उनके पत्नी व्रता धर्म के बारे में बताया गया। अगला दृश्य रहेगा गिद्धराज जटायु से भेंट। और सभी आज के पार्टिसिपेंट्स, जो भी डांस के पार्टिसिपेंट्स रहेंगे, उनसे आग्रह रहेगा कि वो कृपया पहले ही आकर अपने मोबाइल और गाने यहाँ पर दे जाएं, ताकि पहले ही हम उनकी सेटिंग करके रख दें। जय श्री राम। जिस तरह आपको पता है कि इस वर्ष श्री सनातन धर्म सभा भावनगर का एक उद्देश्य भी है कि हर दिन एक नए विषय पर वो चर्चा करेंगे, आप सभी के सामने एक नया विषय लाएंगे। तो आज का हमारा विषय है गौवंश की रक्षा एवं गौवंश का महत्व। जिस प्रकार मैंने 2-3 दिन पहले आपसे बताया था कि गौ माता को हमारे हिंदू संस्कृति में, हमारे हिंदू धर्म में, सनातन संस्कृति में माता क्यों कहा जाता है, तो गौ को माता इसलिए कहा जाता है जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चे का पालन पोषण, भरण पोषण करती है, उसे पालती है, उसी प्रकार गाय भी हमारा भरण पोषण करती है, हमें पालती है जिंदगी भर। परंतु आज के समय में ये देखा जा सकता है कि गाय को गौ माता ना मानकर हम अपने स्वार्थ के लिए उन्हें पाल रहे हैं। जब हमारा निस्वार्थ उनसे पूरा हो जाता है, हम उन्हें सड़कों पे यूं ही ठंड में या गाड़ियों से मरने के लिए छोड़ देते हैं। तो ऐसा ना करें। अगर सरकारें अपनी तरफ से कोशिशें कर रही हैं, पर तू एक नागरिक होने के नाते हमारा भी एक कर्तव्य बनता है कि इस गौ वंश को हम कैसे बचाएं, इस गौ माता को हम सड़कों पे मरने से कैसे बचाएं। तो उसके लिए हम अपने अपने तरफ से कुछ ना कुछ कोशिश कर सकते हैं, गौशालाएं खोल के, उनकी सेवा करके, या किसी प्रकार से उनको एक शेल्टर प्रोवाइड करके। तो हमारा यह कर्तव्य होना चाहिए कि हम गौ वंश की रक्षा कैसे करें, उनको सड़कों पर आने ना दे या फिर उनको ऐसे खुले में ना छोड़े, उसके बारे में हमें सोचना होगा, उसके बारे में हमें गहन चिंता करनी होगी। जय श्री राम। यहीं पर ठहर जाइए। क्यों लक्ष्मण, क्या बात है? वह देखिए, शायद किसी राक्षस की मौत आई है जिसने हम पर कात लगाई है, धोखा देने के लिए वेश भी पक्षियों का बनाया है।
मैं अभी इसकी मिट्टी ठिकाने लगाता हूँ। लक्ष्मण, जल्दी का काम हमेशा खराब होता है, जिसका बाद में पश्चाताप होता है। क्या मालूम वह कोई काफी राक्षस है या कोई थका मांदा मुसाफिर। मैं जाता हूँ और उसका पता लगाकर आता हूँ। महाराज, आप कौन हैं? मेरा नाम यहाँ बैठने का है। क्या प्रयोजन है? मेरा नाम जटायु है। क्या रामचंद्र आप ही का ही नाम? मगर आपको मेरा नाम कैसे मालूम? बेटा, तुम्हारे इधर आने की तो चिरकाल से धूम मची है। आप अपना भी कोई परिचय दीजिए। बेटा, बताता हूँ, जरा मेरे पास आइए और उन दोनों को भी बुला लाइए। सीता, लक्ष्मण, बेटा, मैं तख्त अयोध्या का तुझ खैर खवा पधारने का सुनकर आश्रय से इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि तुम मेरे परम मित्र के संतान हो, से मेरे प्राणों की प्राण हो। पिताजी से आपके ये संबंध कब से थे? एक बार वे राक्षसों से लड़ाई हुई, वे सख्त जख्मी हो गए, तब से है। तो आपने उन्हें किस तरह बचाया? जब वे बिल्कुल मूर्छित हो गए थे, मैंने उठा भाग लाया था। भगवान, राक्षस के धोखे में आपका ही घात हो गया था। लक्ष्मण ने तो आपकी ओर कदम भी बढ़ा दिए थे, बल्कि तीर भी कमान पर चढ़ा लिया था। शुक्र है कि सब के सब सलामत रहे, और आपका साया तो हमारे ऊपर ता कयामत रहे, क्योंकि पिताजी तो अब स्वर्ग के मेहमान हैं और हमारे लिए आप ही पिता समान हैं। हाय शो, मेरे मित्र का कब सर्वनाश हुआ? जब से हमें वनवास हुआ। बेशक इस समय तो तुम सदमा उनके लिए महान था। बेशक, मगर इस बात का भला किसको ख्याल था। खैर बेटा, धीरज धरिए, मेरे योग्य कोई काम हो तो बता दीजिए। मेहरबानी करके हमें पंचवटी का रास्ता बता दीजिए। बेटा, पांच पटियां से बिल्कुल नजदीक है, मेरे राय में भी आपका वहीं रहना ठीक है, क्योंकि वहां मैं भी आपका पासवान रहूंगा और तुम्हारी अनुपस्थिति में बहुत अच्छा। महाराज, जय श्री राम।
जिन भी पार्टिसिपेंट्स के आज डांस परफॉर्मेंस है कृपया करके स्टेज में आ जाएं। जिन भी पार्टिसिपेंट्स के आज डांस परफॉर्मेंस है सिमरन और लावण्या कृपया अपने डांस परफॉर्मेंस के लिए स्टेज पे आ जाएं। सिमरन और लावण्या